वुसत कल्बो नजर क्या है कि अब वहशत में है, तेरे दीवाने को सहरा नहीं पूरा पड़ता। उम्र भर बेचे खरीदे ही तो हैं दिल हमने, मशवरा करके लिया होता तो सस्ता पड़ता। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जेरे एहतमाम मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में सजा रंगारंग पांचवां दो रोज़ा मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल, इसकी क्या तफसीलात हैं जानिए इस रिपोर्ट में। इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की इल्मी और अकली बहसें, इस तरह की बातें, मौसीकी, ये खुद ब खुद नौजवानों के जहनों में जहनों को कुशादा करती है। और ये डिजिटल मीडिया का दौर है और मुझे उम्मीद है कि ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ मुल्तान थोड़ी है, पूरे बलूचिस्तान में, डीजी खान में चले जाएं, पेशावर चले जाएं, पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ जो है ना, ये ब्रीदर हैं, ये एक ताज़ा हवा के झोंके हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ अगर ये इब्तिदा हो जाए और बड़े बड़े फेस्टिवल्स होना शुरू हो जाएं, अदब और आर्ट के हवाले से बात होना शुरू हो जाए, तो आप इस ज़मीन पर वो दोबारा से वो सारा रंग देखेंगे जो इस ज़मीन का खासा है। मैं समझता हूँ कि मगरब के बारे में हमारे जो तसव्वुरात हैं उनकी जो बुनियाद है वो कुछ शायद और है। उसमें हमारी अकीदे का तसव्वुर भी है, उसमें हमारी फतह करने का एक तसव्वुर बहुत गहरा है, उसमें मगरब की तरक्की को जो है वो भी हम बहुत ज़्यादा कोई आसानी के साथ तस्लीम नहीं करना चाहते। जो इस किस्म के मेले हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और इसमें ड्रामा भी है, इसमें मौसीकी भी है, इसमें मुशायरा भी है और इसमें किताबों पर गुफ्तगू है, इसमें ख़यालात पर गुफ्तगू है, इसमें एक हमारे जो पूरा तहज़ीबी इस वक्त सूरत हाल है उसका एक तनकीदी जायज़ा लिया जा रहा है और सारे मुल्क से लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन इनमें ज़ाहिर है कि जो सुनने वालों की अक्सरियत है उनका ताल्लुक मुल्तान से या मुल्तान के गिर्द नवाह से है, तो बहुत ही खुशाइन बात है। इस तरह की सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं और ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि एक लोगों को इस बात पर आमादा करना और इस कल्चर को प्रमोट करना कि जिधर एक आज़ादाना सोच वाला एक जो रिवाज, ये चीज़ रिवाज पाए। बहुत अच्छी एक्टिविटी है और मुल्तान में ये पांचवा लिटरेरी फेस्टिवल है। इस तरह के फेस्टिवल का होना बहुत खुश आइंद है। डिस्कशन होती है, लोग आपस में मिलते हैं, शायरी पे, अदब पे और जर्नलिज्म पे बात होती है। ऐसी एक तरह का मौका है और इस तरह के इवेंट्स मुल्तान में ज़रूर होने चाहिए। एक ऐसा माशरा जहाँ पर बर्दाश्त ख़त्म हो रही हो, लोग छोटी छोटी बात पर कत्लो गारत की तरफ आ जाएं, ऐसे में अगर लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान को बचाने की कोशिश की जा रही है, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में मुल्तान लिटरेरी फेस्टिवल एक ऐसी रिवायत का आगाज़ हो रहा है जो इंशाल्लाह आने वाले बरसों में एक बड़ी तवाना और मज़बूत रिवायत बनेगा। इसके डिफरेंट सेशंस में जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और जिस किस्म के नई सोच के दर खुल रहे हैं, दरवाह हो रहे हैं, ये नई सोच हमें चाहिए। फेस्टिवल जो सबसे बुनियादी बात है कि लिटरेचर की तो खिदमत कर रहा है, जो हमारे आपस में समाजी रबते टूट गए उन्हें भी जोड़ रहा है। हम इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, एक दूसरे डायलाग कर रहे हैं, मकालमा हो रहा है जो कि ख़त्म हो गया था।